आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी, उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, लोकसभा के स्पीकर श्री ओम बिरला जी, चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना जी, सम्मानित सांसदगण, अन्य महानुभवों, देवियों और स्वजनों तथा मेरे प्यारे देशवासियों, सभी को जोहार। भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर निर्वाचित करने के लिए मैं सभी सांसदों और सभी विधानसभा सदस्यों का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। आपका मत देश के करोड़ों नागरिकों के विश्वास की अभिव्यक्ति है। मैं भारत के समस्त नागरिकों की आशा आकांक्षा और अधिकारों की प्रतीक इस पवित्र संसद से सभी देशवासियों का पूरी विनम्रता से अभिनंदन करती हूँ। आपकी आत्मीयता, आपका विश्वास और आपका सहयोग मेरे लिए इस नए दायित्व का निभाने में मेरी बहुत बड़ी ताकत रहेगी। मुझे राष्ट्रपति के रूप में देश ने एक ऐसे महत्वपूर्ण कालखंड में चुना है जो हम अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज से कुछ दिन बाद ही देश अपनी स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरी करेगा। ये भी एक संयोग है कि जब देश अपनी आज़ादी के 50वें वर्ष का पर्व मना रहा था तभी मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई थी और आज आज़ादी के 75वें वर्ष में मुझे ये नया दायित्व मिला है। ऐसे ऐतिहासिक समय में जब भारत अगले 25 वर्षों के विजन को हासिल करने के लिए पूरी ऊर्जा से जुटा हुआ है, मुझे ये जिम्मेदारी मिलना मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूंगी तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगी और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगी